कैथल शहर के लिए खुशखबरी है, और वो खुशखबरी ये है कि कैथल में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र गर्ग सिग्नस हॉस्पिटल में आए हैं, जिनको यूनिट हेड के रूप में भी वो फिलहाल कार्यरत हैं, और उनका अनुभव शहर के किस तरह काम आ सकता है वो तमाम बातें जानने के लिए इस वक्त हम सिग्नस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र गर्ग है। मैं अभी प्रेजेंटली सिग्नस कैथल यूनिट में मेडिकल डायरेक्टर और यूनिट हेड की पोस्ट पे कार्यरत हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन हड्डी विभाग में है। लाइक मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई सफदरजंग दिल्ली या फिर एम्स दिल्ली से करी हुई है। मैंने विभिन्न टाइप की फेलोशिप होती है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए या स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, वो सब किया हुआ है। बाहर लंदन वगैरह से भी मैंने प्रैक्टिस की हुई है स्पोर्ट्स इंजरी में, नी रिप्लेसमेंट में। तो लाइक आज जो है मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता सकता हूँ, लाइक घुटने घिसना क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो एज जिन लोग की हो जाती है आफ्टर 50 इयर्स, उनमें घुटनों में दर्द की समस्या हाल फिलहाल में बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि इस आजकल जो हमारा डाइट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उतना अच्छा नहीं है। लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द आना और कैल्शियम की शरीर में कमी होना, हड्डियाँ कमज़ोर होना, ये स्वाभाविक है। तो जनरली जिन पेशेंट्स को, जिन मरीजों को दर्द होता है घुटने में, उनमें इनिशियली हम एक्सरसाइज़ या फिर फिजियोथेरेपी या दर्द की दवाइयाँ, ग्रीस बनाने वाली दवाइयों से उनका उपचार करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स की दिक्कत बढ़ती जाती है समय के साथ, क्योंकि एक एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं। घुटना घिसना ये ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल है, टोटली रिवर्सिबल नहीं होते। हम इन चीज़ों को मेडिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयों से, एक्सरसाइज से, जो प्रोसेस है घिसने वाला घुटना, उसको स्लो कर सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते या फिर उसको बिल्कुल रोक नहीं कर सकते। तो ये टाइम बाइंग वो होता है इसके। जब अल्टीमेट स्टेज पहुंच जाती है, जब लाइक अब दवाइयां भी काम नहीं कर रही, फिजियोथेरेपी भी काम नहीं कर रही, लगता है कि घुटने टेढ़े होते जा रहे हैं, मरीज़ चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो उन केसेस में हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को एडवाइज़ करते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है, पेशेंट लाइक 4 to 5 डेज में अपने पैरों पर बिना किसी वॉकिंग एड्स के चलना फिरना चालू कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, अभी जैसे पेशेंट्स की भरमार है, खासकर घुटनों के पेशेंट लगातार आ रहे हैं, और अपने आप ही एक नया, जिसको कहें कि एक नया इजाद हुआ है अपने आज, जो आपने बात की कि कंप्यूटराइज नेविगेशन जो घुटनों की रिप्लेसमेंट आप करते हैं, वो किस तरह की है और कितने आउटकम्स, कितने सक्सेसफुल रहती है? हाँ, एक्चुअली हमने कैथल जैसे सिटी में लाइक जहाँ पे लोग समझते हैं कि यहाँ पे इतना अच्छा उपचार अवेलेबल नहीं है, लोग दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ दौड़ते हैं बड़े सर्जरियां करवाने, वो हमने कैथल में अवेलेबल करवाई है। एकमात्र हरियाणा का ऐसा सेंटर है जहां पे फुल्ली कंप्यूटराइज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवेलेबल है। अभी 3-4 दिनों से ही हमने इसको स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो कैलकुलेशन होता है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी एक आर्ट टाइप की सर्जरी होती है, जिसमें एक प्रॉपर फिटिंग होती है घुटने के अंदर एक आर्टिफिशियल लेयर की, जो लाइक बाय गॉड जो हमारे शरीर में एक परत होती है, कार्टिलेज होती है, जब वो घिस जाती है तो उसको आर्टिफिशियल परत से हम रिप्लेस करते हैं। तो उसकी एक प्रॉपर फिटिंग ज़रूरी होती है उसके सक्सेसफुल रिजल्ट्स आने के लिए। तो कंप्यूटर नेविगेशन से जो फिटिंग वाला काम है, जो एक ग्रिपिंग वाला काम है, विद इन MM में जो चीज़ें होती है वो अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, या ऐसे पेशेंट जिनमें डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक घुटने बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, उनमें एक प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ हम आर्टिफिशियल लेयर को फिट कर सकते हैं। यही कंप्यूटर नेविगेशन से हमें काफ़ी मतलब लाइक सक्सेसफुल के आउटकम और पेशेंट की नी की लाइफ वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब तक कितने ऑपरेशंस है यहाँ हो चुके हैं? हमने परसों से ही नी रिप्लेसमेंट कंप्यूटराइज चालू किया है। तो कंप्यूटर की बात करें तो इन 2 दिनों में, बल्कि छुट्टियों में भी हमने लाइक 5 नी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी कर लिए हैं, आज 3 पोस्टेड हैं। और ओवरऑल जो नी रिप्लेसमेंट है, मुझे जैसे लाइक 1.5 से 2 साल हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तो 1500 के आसपास हम नी रिप्लेसमेंट यहाँ पे कैथल शहर में सिग्नस हॉस्पिटल में हम कर चुके हैं। तो इतने सारे केसेज जो कैथल हमारे सिग्नस हॉस्पिटल में हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिजल्ट
ट्रायल्स हमारे सक्सेसफुल हैं। इवन कुछ केसेज जो बाहर बड़े शहरों में हुए हैं, दिल्ली चंडीगढ़ में 50 से 60 केसेज ऐसे भी हैं जिनको हमने यहाँ पे रिवाइज किया है, दोबारा से ऑपरेट करके उनको ठीक किया है। ठीक है, तो लाइक मेरा कहने का मतलब है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत घबराने वाली बड़ी बात है। एक 1 आवर में दोनों घुटने चेंज हो जाते हैं, 1-2 दिन बाद हम चलाना चालू कर लेते हैं, 5-7 दिन बाद पेशेंट की छुट्टी कर देते हैं। तो जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनमें उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जिनको थोड़ा बहुत दर्द होता है उनमें लाइक जिसको 30 पेन है उसको पेन 5 हो जाएगा, जिसको 100 पेन है उसका भी 5 होगा, तो 95% रिलीफ होगा जिसको 100 पेन है। तो इट्स बेटर कि जिनमें सारे हम प्रयास कर चुके हैं घुटने का दर्द ठीक करने के लिए वो सब असफल हो चुके हैं, उनमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आखिरी एक हथियार होता है जिससे हम एक सक्सेसफुल आउटकम दे के पेशेंट की क्वालिटी और फंक्शनल लाइफ को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, अभी जो दर्शक घुटनों के मरीज़ आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि घुटनों की प्रॉब्लम का सबसे बड़ा इलाज है उनसे बचना। तो लाइक 40 से ही आजकल ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो मेरा मेन मैसेज रहेगा कि अभी से जो भी लोग हैं जिनको समस्या आनी चालू हो गई है इनिशियल स्टेज पे, वो एक तो फिजियोथेरेपी पे अपना ध्यान दें, एक्सरसाइज घुटने की, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब अच्छे से करें घुटनों की। इससे मांसपेशियाँ मजबूत होती है, खून का दौरा बढ़ता है, उससे अंदर ग्रीस कम होने की समस्या कम होती है। दूसरा, अपना जो डाइट है वो अच्छा रखें, कैल्शियम वाली चीज़ें, दूध, पनीर, ये सब लें। ठीक है, इससे घुटनों में मजबूती बनी रहेगी। और लाइक जिन पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही है ये सब प्रयास करने के बाद भी, वो तुरंत अपने आसपास शहर में जो भी डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स अवेलेबल है या मुझसे ही, वो आपके एक बार परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि ऐसी कुछ दिक्कतें होती है जो लाइक घुटना खींचने से भी अलग होती है, लाइक लिगामेंट इंजरी होती है या फिर मेनिस्कस इंजरी होती है, जिनको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके हम उनका पता लगा के आगे इलाज एज सून एज पॉसिबल चालू कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर सितेंद्र गर्ग थे, और जो भी कैथल शहर के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जिसको शहर को ज़रूरत भी थी वो अब सिग्नस हॉस्पिटल में मौजूद हैं। तो जो भी हमारे पेशेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है वो बाकायदा आपको हेल्प सिग्नस हॉस्पिटल में मिलेगी।